थाना टपल क्षेत्र के गांव साहानगर सौरोला में रविवार कोरोना की जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। टीम के लोगों को दौड़ा दड़ा कर पीटा गया, जरूरी दस्तावेज तक फाड़ दिए। जांच सैंपल किटों को भी ग्रामीणों ने फेंक दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्यों ने गांव से भागकर अपनी जान बचाई, जबकि ग्रामीणों के हमले में दो स्वास्थ्य कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। सीएससी टपल के डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों की जांच कर रही है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम सासानगर सरोला पहुंची थी। गांव में करीब 37 महिला पुरुष लोगों की कोरोना जांच की सैंपलिंग भी हो गई थी। पीड़ित लैब टेक्नीशियन सौरभ अत्री ने कहा, जब गांव में कोविड टीम लोगों की जांच कर रही थी, इसी दौरान एक नवविवाहित महिला अपनी कोविड जांच कराने के लिए कोविड टीम के पास पहुंची थी। जांच कराने के दौरान महिला अपने चेहरे से घूंघट हटाने में शर्मा रही थी, क्योंकि सामने गांव के बुजुर्ग और कुछ नवयुवक लड़के खड़े थे। इन लोगों से घबराकर उस महिला ने सैंपलिंग टीम से अपना घूंघट हटाने और अपनी सैंपलिंग कराने से मना कर दिया, तो सैंपलिंग टीम ने वहां खड़े गांव के लोगों को हटाने के लिए कहते हुए कहा, महिला घूंघट हटाने में आप ग्रामीण लोगों के सामने हिचक रही है और इस वजह से महिला अपनी सैंपलिंग नहीं करा पा रही। सैंपलिंग टीम द्वारा कही गई महिला के सामने से हटने की बात वहां खड़े उन लड़कों को बुरी लग गई। इसी बात को लेकर उन ग्रामीणों ने कोविड टीम पर हमला बोलते हुए पिटाई कर दी। हाँ, हुई है मारपीट। तो क्या घटना थी पूरी इनमें? पहले तो क्या हुआ ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जब जैसे इनमें मुहवाद हुआ है, हम पास में आए तो पहले हमने इनका बीच बिछाव किया है और उसके बाद हमने ये टीम आगे भेज दी है। फिर इनमें थोड़े 10 कदम आगे जाके मारपीट हो गई है। सर, जो बताया जा रहा है सैंपल वगैरह भी छीन लिए इन लोगों से? वो तो अब ये टीम जाने, अब जब 500 आदमी हैं उनमें इतना तो हमें मालूम नहीं कि सैंपल छीने या घेरे हैं उन्होंने। सर, जो टीम आई थी वो क्या गाँव में गलत करने आई थी या सही करने आई थी? टीम तो सही करती है, टीम क्या कोई ये गलत करती है? कोई गवर्नमेंट की टीम है ये। सर, आपको क्या लगता है जैसे इन लोगों ने मारपीट की है, क्या ये क्या कहेंगे लोगों के लिए आप? ये गलती है ये, और क्या कोई सही है जो कर्मचारी के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के साथ जो बदतमीजी हुई है? तो लोगों की कोरोना की जांच किए हुए सैंपल तोड़ दिए, कोरोना जांच सैंपल किट छीन कर फेंक दिए गए, वही धमकी दी गई, अभद्रता की गई। वहां पहुंची टीम ने उन्हें कहा कि आप थोड़ी देर इंतजार कर लिए और यहां पर भीड़ न लगाए, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण नहीं माने और सैंपलिंग से इनकार कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्य रामाराव का कहना है कि अगर उनको पुलिस प्रोटोकॉल गांव के अंदर जाने वाली स्वास्थ्य विभाग की सैंपलिंग टीम को मिला तो आगे गांव में कोरोना की सैंपलिंग करने जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर आरोपी युवक और अन्य ग्रामीणों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। अलीगढ़ से अजय कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।